हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज है छोटी दिवाली और मैं भी अच्छे से तैयार हो गया हूँ। तैयार अभी क्योंकि शाम को एक प्लान है मेरा जाने का कोई बढ़िया जगह। तो अभी का क्या है कि यार चाय आ गई हमारी और हम भी रेडी होते हैं और पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर शाम को चलेंगे कोई बढ़िया जगह। गायों को अच्छा लगता है ऐसे करना। मौसम मतलब कि यार धूप तो है लेकिन यार ठंडा ठंड भी है तो बचाव भी करना पड़ रहा है। रात को थोड़ा बहुत ठंड की वजह से मेरे को हल्का हल्का थोड़ा बहुत मैटर क्लोज हो गया था मेरा तो, लेकिन अभी सब ठीक है गाइस। लीची का पेड़ काफ़ी बहुत पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना पेड़ है ये। जब मैं बचपन में था तो मैं ऊपर चढ़ जाया करता था वहाँ तक। एक बार मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत चढ़ के कितना मज़ा आता है। अभी भी कोई फल है या नहीं है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा पहले तो वहाँ से चढ़। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं चढ़ के दिखाऊंगा आपको। ये घुसते हुए अंदर भाई साहब, इसके लिए ये देखिए, आप चाहोगे तो मैं और ऊपर चढ़ जाऊंगा लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है। रिस्क नहीं लेने का। इसके लिए चाहिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेरी तरह, तो ऐसा सीन है। उतरते हैं आप नीचे उतरता भी। जितना मुश्किल चढ़ना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल उतरना होता है, तो ऐसा है। ये है लीची का पेड़। अभी तो लीची है नहीं, सीज़न चले गए हैं। तो ये था वो बिल्ली के बच्चे जो मैंने आपको दिखाए थे ना कल ब्लॉग में, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टेटस है उनका। ये तो ये है, ये देखिए। अबे क्या देख रहा है लौड़े, बिल्ली हूँ, बिल्ली का बच्चा ही तो होगा, अब इंसान का बच्चा थोड़ी ना होगा। क्या स्टेटस देखता रहता है पापा, निकल। बच्चों को रहने देते इनके उस पर, जब अभी तो बहुत छोटे हैं ये, मतलब चल भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा था, बढ़िया बढ़िया चीजें, मजा आ रहा है देखने में और घूमने में भी। अनुज ब्रो कल यार कैसा लगा जंगल में जाके आपको? मंगल मजा आया, मंगल हो गया पूरा, मंगल हो गया ना। तो ये था भाई, आज इसको बाल कटवाने हैं। नाश्ता भी आ चुका है मेरा और ये सामने वीडियो एडिट हो रही है। तो और नाश्ता में बता देता हूँ आज क्या है। आज स्पेशल है पकवान, एक तो ये पूरी कद्दू की सब्जी और ये है पकौड़ी जो कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही बनती है। जैसे हम लोग दिवाली में ऐसे बांटा करते हैं एक दूसरे को ये सब, तो यहाँ पे गाय को भी ऐसे ये देते हैं पूरा बढ़िया से तरीके से बना के मस्त, और ये थाली सजा के। तो इन दोनों यार अपना नाम तो बता दें। अच्छा इसका नाम ये है 5 और तेरा नाम? तो ये शर्मा रही है बेचारी, नहीं आई है ये। तो बस करते हैं, गायों को खिलाते हैं मस्त तरीके से। तो चलो भाई जाओ, क्या बताओ करो क्या क्या करना है। हाँ जो है ना ये थोड़ा डर रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रही है बेचारी। ये देखो सबसे छोटी वाली, तो इनके साथ भी हो गया है। इन दो, इसका नाम सीता है, इसका नाम गीता है। सीता गीता ये सीता गीता है, ये अब याद आया इनका नाम मेरे को। तो अब ये खिलाया जाएगा। पहले ये ऐसे धूप जैसे करते हैं। ये पकवान है स्पेशल जो गाय के लिए बनाया गया है, सारे चावल पकौड़ी फूल वगैरह जो इनको पसंद होते हैं बढ़िया तरीके से। तो अब ये अपना सीता खिलाएगी इनको। सीता खिला दे, ये इतनी बड़ी जीव निकाल रही है। ये देखिए, अबे यार ऐसे खिलाइए। मामी जी को तो देखो परफेक्ट है मामी जी हमारी। अभी क्या कहते हैं कि ना सबने तो खिला दिया है, अब मेरी बारी है। मैं भी ये देखिए चावल है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि कैसे खाते हैं इसको। ये देखिए वाह। तो यार ऐसे खिलाया जाता है, ये डरना नहीं है कि अपना डायरेक्ट इनको पता है कि क्या खाना है हमें। ऐसा लगा फिर? अच्छा, जो काम के लिए आए थे वो हो गया है। गायों को हमने बहुत अच्छे तरीके से खिलाया, फुल मजे आ गए इनको भी। शाम के बज रहे हैं 5 बज गए। रेडी तो मैं हो गया हूँ लेकिन साथ ही साथ मेरा एक भाई है अंश, मैं आपको मिलाता हूँ उससे। हेलो गाइस। तो अंश क्या हाल है भाई? मैं बढ़िया, आप बताओ? बस बढ़िया। ये मेरा भाई है, ये भी साथ में यहाँ पर आ गया था। तो ये साथ में आ गया था, कह रहा था कि साथ में चलेंगे। तो अभी शाम हो गई है, अब क्या करना है, अभी थोड़ा सा सामान लेंगे, पटाखे भी लेने थोड़े से और फिर मैं पाक्सी जाऊंगा। तो भाई पटाखे भी ले लिए हमने अब, और अभी चलते हैं सीधा ऊपर।
देखते देखते हम पहुंच गए अपने गांव। और यार अभी थोड़ा अंधेरा इसलिए हो गया क्योंकि लेट हो गए थे। और यार घास देखो कितनी बड़ी हो चुकी है, रास्ता नहीं दिख रहा है भाई, ध्यान से चलियो। और अभी थोड़ा अंधेरा हो गया तो अभी छोटी दिवाली अपना मनाएंगे, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे मस्त मस्त तरीके से। ये आ रखा है हमारा वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, मिलने के लिए कि भाई मिलो मेरे से। हाँ भाई हीरो लाल, ये देखो अभी जाएगा नहीं, अभी बोलेगा देखो मेरे को। ये देखो सफर पूरा हो गया हमारा। एक बार मेरा आउटफिट दिखाते हैं आप, ये मेरा आउटफिट है, ये रितिका ने दी थी मेरे को शर्ट, तो ये है। अभी पहुंच गए हैं और अभी क्या रहेगा कि अभी थोड़ा बहुत बैठते हैं, फिर जैसे अंधेरा होगा फिर उजाला कर देंगे पटाखे से। हाँ भाई क्यों ठहरवा रही है, हाथ टूट जाएगा बेटा तेरा। ये भाग्य मेरे को देख के डर गई है भाई, यहाँ पे खौफ है, यहाँ पे मेरा खौफ है बहुत खतरनाक। तो अभी ये बहुत पतली कमीज पहनी हुई है, ठंडा लग रहा है मेरे को तो ऐसा है, लेकिन अभी नहीं ज्यादा नहीं है। बाकी ये आ गई बंदर, ओए बंदर, ये देख ये बंदर या बढ़िया बढ़िया भाई, आज क्या हमसे मिलो, इनसे तो मिलने भाई। तो ये बिछड़े यार भी मिल चुके हैं, मोमो खा के आएंगे और जा रहे हैं कुछ देखते हैं कुछ खाने पीने का बढ़िया सा लेके आते हैं गाइस। तो ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है और स्कूटी रेडी है। और सामने देखो यार बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा हो रहा है लेकिन चलेंगे यार। जाते जाते एक चीज देखो, ये स्कूटी में ये यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ यार, दिवाली की वजह से पूरे के पूरे मतलब कि सफेद की जगह अलग अलग तरीके की लाइटें दिख रही हैं। मोमोज करते हैं अपने खत्म, ठंड हो रही है, ठंड में तो गर्मा गर्म मोमोज का तो मजा ही कुछ और होता है। इसको बोलते हैं दिल की फुलझड़ी, इससे जो दिल उनके दिले हो फुलझड़ी जलेगी तो टूटे हुए दिल जुड़ जाएंगे आपके। तो ये फुलझड़ी भी है, ये देखिए ये स्पेशल फुलझड़ी, तो जिसके दिल टूटे हुए वही फुलझड़ी ले लीजिए और फुलझड़ी से दिल जोड़े अपने। घर पे आ गए हम और पटाखे वगैरह स्टार्ट करते हैं फोड़ना। और साथ ही साथ आज तो बढ़िया तरीके से पकवान भी बन रहे हैं, मोमोज वगैरह खा लिए अच्छे से, फूल वगैरह लेने थे वो ले लिए हैं और अब करते हैं शुरू। ये है मेरी बहन दूसरी, इसका क्या नाम है, तन्नी। ए तन्नी हेलो, फुलझड़ी है क्या ये, मेरी बहन इतने दिनों बाद मिली है, बेचारी आंसू आ रहे हैं इसको यार। ये है अभी पॉप पॉप है, ये आपको तो पता ही होगा, तो एक काम करते हैं डिफरेंट तरीके से फोड़ के दिखाते हैं इनको, ये यूं फेंके ऊपर और ये फटाफट। तो यार चट्टे अभी ये खाते हैं बढ़िया से अपने पकोड़े फिर से। आप ये पकोड़े जो है ना बहुत फेमस हैं यार, ये गांव में अलग अलग तरीके से बनते हैं, रेसिपी सेम होती है लेकिन इंग्रेडिएंट कभी थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। और घी मस्त बनाने वाले के ऊपर बात है, हाँ ये घी है, ऐसे खाते हैं मस्त एकदम। चाचा जी हैप्पी दिवाली आपको भी, आपको भी हैप्पी दिवाली। वाह चाचा जी ने बनाए हैं ये, बड़े चाची ने, चाची चाचा ने मिलके। तो पकौड़ियाँ खाते हैं और फिर आगे पटाखे फिर एंजॉय करते हैं छोटी दिवाली को। तो भाई यार बम फोड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है बम फोड़ने में। और यार ये बंदर, ये जैसे बंदरों ने दिमाग खा दिया यार हमारा, बंदर है। इसमें हम शुरुआत करें क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, देखिए ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये। अब थोड़ा पीछे तो हो जाओ यार, ओ बर यार ये मर गया, चला चला भाई चला। तो देखते हैं गाइस क्या हुआ इसका सीन, देखते हैं भाई। अल्ट्रा लेजेंड को उठा के तो दिखाऊं, कुछ अंदर कुछ मैटर हुआ है ये। आज हमारे लिए पकोड़े लेकर आई है स्पेशल पकोड़े दादी जी, हैप्पी दिवाली आपको। तो पकोड़े खाते हैं दादी जी के हाथ के और चाची के हाथ के। तो भाई पकोड़े खा के मजा आ रहा है, मतलब वही है गढ़वाली में हर तरीके के बढ़िया बढ़िया पकोड़े होते हैं। ओ नो, ओ वाह क्या बेस्ट तरीका था। वन टू थ्री, तीन दो बंदर डाल दो उसके अंदर ही, उसके अंदर डाल दो उसको, टेढ़ा कर दे, टेढ़ा कर दे। ओए मैं पीछे मत जा रहा, बस अब लग गया।
दिखाएगा आपको ये अभी देखना डिफरेंट तरीके से अनार। ये चकली अनार देखो, ये अनार है जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अनार को तो आपको पता है नीचे रख के फोड़ेंगे, लेकिन हम है खतरनाक बंदे, खतरों के खिलाड़ी। खिलाड़ी अबे तो भूस हो गया। उसमें आग लगी बस चलो भाई, चलो भाई खेल खत्म, पैसा हजम। ये गाइस आ गया भाई। अरे भाई भाई भाई, तो ऐसा था सीन। और आज भैया बस उतूंगा मैं, बाकी तो ये चलते हैं अब घर, नीचे चलते हैं। चलो गाइस अब चलते हैं नीचे, बहुत मजा आया पटाखे फोड़ने में। ये था आज का प्रोग्राम, हालांकि ज्यादा कुछ इतना कुछ नहीं कर पाए जितना हमने सोचा था। रीजन ये था क्योंकि एक तो पहले जितने लोग हुआ करते थे वो नहीं आए, और ऐसा था अब क्या है कि खाना वाना हो गया हमारा और थोड़े बहुत जो पटाखे हमने फोड़ने थे वो ही फोड़ दिए। तो ऐसे हमने मनाया अपना आज के छोटी दिवाली। कल क्या रहेगा, कल आपको जैसे कि पता है कि दिवाली है, तो दिवाली का जो प्रोग्राम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। और आपको बताइए घूम लोगों के घर जाएंगे, दिवाली में ये होता है लोगों के घर जाना, उनको विश करना, तो ऐसा करेंगे, मजा आएगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। राजा राजा राजा, 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 राजा,